थर्ड सीजन। वेलकम टू माय चैनल एज वेल। तो ये ना चीज आप सबके लिए एक नई अपडेट के साथ हाजिर हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जी हाँ, बॉलीवुड की एक नई अपडेट है। आप सबको पता होगा कि फुकरे 3 आ रही है। फुकरे 3 का फाइनली ट्रेलर आप सबने देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो चैनल को चेकआउट करें एंड वीडियो को देखें एंड एंजॉय करें। तो फाइनली आज फुकरे 3 का एक सॉन्ग आया है जिसका नाम है वी फुकरे। सॉन्ग काफ़ी अच्छा है, मैंने देख लिया है। सॉन्ग की म्यूजिक अच्छी है, लिरिक्स अच्छी है एंड सॉन्ग का जो सेटअप है वो भी काफ़ी अच्छा है। लाइटिंग, मतलब ओवरऑल सब कुछ अच्छा है सॉन्ग में। एंड तो सॉन्ग से रिलेटेड कुछ ऐसे क्लिप्स हैं, कुछ ऐसे अपडेट्स हैं जो मैं आप सबको दिखाऊंगा ताकि आप सबको भी पता लगे कि सॉन्ग कैसा है एंड आप सब भी सॉन्ग को जाके चेकआउट करो और एंजॉय करो। भाई मैंने अभी अभी कुछ देखा। समझा नहीं? तू समझा नहीं? तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये सॉन्ग को जिसने मतलब गाया है वो देवी नेगी एंड आशीष कौर ने गाया है। काफी बड़ा नाम है आशीष कौर का। एंड जो म्यूजिक है वो तनिष्क बागची की है एंड जो इसमें लिरिक्स है वो शब्बीर अहमद की है। यार नाम तो काफी बड़ा बड़ा है। नाम बड़ा है तो गाना ऑब्वियसली अच्छा होगा ना। तो और जो ये प्रोडक्ट है वो रितेश सिद्धवानी एंड फरहान अख्तर की है। तो भाई देखो, नाम भी मैटर करता है ना। बड़े बड़े नाम हैं तो काम भी बड़े ही होंगे और लो बजट की इतनी, मतलब बहुत हाई बजट की मूवी तो है नहीं, छोटी बजट की मूवी है। तो इतना कुछ एक्सपेक्टेशन जो हमारी होती है वो जो है बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। बात तो सही है, बट इस मूवी के हिसाब से सॉन्ग जो है वो काफ़ी अच्छा सॉन्ग है। मैंने सॉन्ग देख लिया है एंड सॉन्ग की कुछ क्लिप्स जो है आप लोग भी देखो और आप सबको भी पता लगे कि हाँ सच में वाकई में अच्छा है। जो म्यूजिक है ना यार इसकी, वो म्यूजिक मुझे बहुत अच्छी मतलब अमेजिंग लगी। म्यूजिक के साथ स्टेप चल रहा है वो बहुत अच्छा लगा। और जो इसका जो सेटअप बना रखा है ना, ये फाइनली जो ये प्लेन वाला जो सेटअप बना रखा है, ये सेटअप बहुत अमेजिंग मुझे लगा। सेटअप के साथ लाइटिंग अच्छी लगी और इसको शूट भी अच्छे तरीके से किया गया है और पूरा मतलब दिखाया गया है। एक जैसे कि फनी जिस हिसाब की मूवी है ना, उस हिसाब से इसको सॉन्ग को भी शूट किया गया है और दिखाया गया है। बहुत मतलब अच्छा लगा मुझे ये सॉन्ग। और बहुत ज़्यादा बड़ी मूवी तो है नहीं कि बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन रखे, तो मुझे तो इतनी भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट सॉन्ग अच्छा निकला एंड सॉन्ग काफ़ी मुझे अच्छा लगा। आप सबको कैसा लगता है ये सॉन्ग? बहुत बढ़िया मुन्ना। एंड मुझे कमेंट्स करके बताना एंड ऐसा ही सपोर्ट करते रहो। और मेरी वीडियो से रिलेटेड जो आपका रिव्यूज़, आपका ओपिनियन जो होता है यार, उसको रखा करो ताकि मुझे भी तो पता लगे। यार देखो, मैं कोई ऐसा कोई एकदम क्या बोलते हैं उसको कि अच्छाई की मूरत तो हो नहीं कि मेरे अंदर से हर चीज़ अच्छी निकलेगी। कुछ ना कुछ तो ऐसी है ना जो मेरी तरफ से भी खराब होती होगी। यार देखो, हर चीज़ में जब मैं हर जो भी खराब कमी या अच्छाई होती है मैं उस चीज़ को बताता हूँ, तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके बताया करो कि मेरी तरफ से क्या खराब क्या अच्छा है ताकि मुझे भी पता लगे। और अगर कुछ खराब होगा तो मैं उसको भी इम्प्रूव करूँगा तो मेरी भी इम्प्रूवमेंट होगी। तो ऐसा नहीं ना है कि मैं दूसरों के काम में खराबी निकालता रहूँ, खुद खराब करता रहूँ। तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके बताया करो ताकि मुझे भी पता लगे और जो मेरे तरफ से कमी हो रही है वो मुझे भी पता लग सके। तो इस सॉन्ग के बारे में आप सबकी क्या राय है मुझे कमेंट्स करके बताना एंड अपना ओपिनियन जो मेरी वीडियो से रिलेटेड है वो भी कमेंट्स करके बताना। एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, प्यार करते रहो ताकि मैं आप सबके लिए हमेशा नई नई अपडेट के साथ तट पे खड़ा रहूँ। हाँ, तो तट पे खड़े रहने के लिए आप सबका सपोर्ट चाहिए और नई नई अपडेट अगर आप सबको चाहिए तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। और ऐसे ही प्यार मुझे करते रहें, अपना भी ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें, इंजॉय करें और मैं भी इंजॉय करता हूँ अपनी लाइफ को। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या बात है सर, क्या बात है सर।